मित्रों, एक राजा था, उसने अपने राज्य में एक गुरुकुल बनवाया और उसके प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए एक उपाय सोचा। उसने राज्य में आने वाले राजमार्ग पर बहुत सारे कांटे इकट्ठे करवा करके उस पर बहुत भारी पत्थर रखवा दिया और घोषणा करवा दी कि सभी लोग आए और सबकी परीक्षा होगी, जो उत्तीर्ण होगा वही व्यक्ति प्रिंसिपल होगा। अब एकमात्र रास्ता राजा के पास आने का वही था, तो सब लोग आने लगे। राजा वहीं पर एक छुप करके देख रहा था। कुछ लोग आए तो वो कूद फांद करके बगल होकर के किसी तरह से चले गए और जा करके राजमहल में बैठ गए। थोड़ी देर बाद राजा देखता है कि राजा के ही कुछ कर्मचारी जो अपने को योग्य समझते थे वो भी आ रहे हैं, तो वो भी राजा को बुरा भला कहने लगे कि ये तो राजा का काम है, उसे सड़क को साफ करवाना चाहिए, मार्ग दुरुस्त करवाना चाहिए। वो लोग भी रास्ता बदल करके किसी तरह चले गए। अंत में राजा देखता है कि एक गरीब टाइप का व्यक्ति पढ़ा लिखा दिखाई पड़ता है, वह आया और उसने देखा कि रास्ते में कांटे बिछे पड़े हैं, उस पर बहुत भारी पत्थर रखा हुआ है। उसने मन में विचार किया कि पहले इस रास्ते को साफ करूं, मैं तो मान लो किसी तरह से निकल जाऊंगा, पर और लोग जो आने वाले होंगे उनके लिए ये कष्टकारक हो सकता है। इसलिए उसने अपना सारा सामान बगल रखा और पहले उस कांटे को साफ करने का और पत्थर हटाने का काम शुरू कर दिया। काफी देर मशक्कत करने के बाद वह हटा पाया और अंत में राजा के दरबार में पहुंचा। राजा सबकी योग्यता की परीक्षा ले चुके थे और वह व्यक्ति जब आया तो उससे पूछा कि तुम इतने योग्य होते हुए भी इतनी लेट क्यों आए। तब उस व्यक्ति ने कहा, राजन, रास्ते में कांटे पड़े थे, पत्थर रखा हुआ था, मार्ग अवरुद्ध था। मैंने सोचा मैं तो किसी न किसी तरीके भले ही चला जाऊंगा, पर मेरे पीछे आने वाले लोगों को किसी को भी कांटे चुभ सकते हैं और पत्थर के कारण कितने लोग टकरा के गिर सकते हैं, इसलिए मैंने उनको हटाना उचित समझा और उसी में ज़्यादा टाइम लग गया जिससे आने में देर हो गई। राजा बड़ा खुश हुआ और उसने उस व्यक्ति को ही गुरुकुल का प्रिंसिपल बनाया। मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वार्थपरता बस अपने आने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं केवल अपने बारे में सोचते हैं, अन्य लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं। जबकि जब तक हम स्वार्थपरता के ऊपर नहीं जाते, निस्वार्थ नहीं होते, हम बड़ी उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकते। कुछ लोग विघ्न बाधाओं से बचने का प्रयास करते हैं, जबकि उन्हीं के बीच होकर के हमारी जीत का रास्ता निकलता है, और स्वार्थपरता में हम अपनी जीत का रास्ता भूल जाते हैं और अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि जब भी हमारे मार्ग में बाधाएं आएं, रुकावटें आएं, दिक्कतें आएं जीवन में, हमें सदैव अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उसमें से ही हमारे जीत का और सफलता का रास्ता तय होता है और हमें मार्ग मिलता है।